गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ कारशाला। तो आज हम आपके लेके आए किया सेल्टोस का टॉप मॉडल जो कि जीटी लाइन के नाम से आता है। जीटी लाइन का जो पूरा नाम है वो है GTX प्लस 1.4 टर्बो, जिसमें 1.4 टर्बो का तो इंजन है और 7 DCT आपकी ट्रांसमिशन है। टॉप मॉडल में आपको कुछ ऐसी की प्रेफर करी जाती है। यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप बूट ओपन कर सकते हैं। आप इसको होल्ड करके रखेंगे तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, बट आप इसको अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपकी गाड़ी का एवरेज भी गिर जाएगा। तो आइए बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट की। गाड़ी का फ्रंट आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। गाड़ी के फ्रंट में आपको टाइगर नोज ग्रिल देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको कैमरा देखने को मिल जाता है। इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा ऑफर करा जाता है। यहाँ पर आपको 4 कॉलम्स में LED प्रोजेक्टर्स मिल जाते हैं। LED इंडिकेटर्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। इस वेरियंट में आपको आइस क्यूब फॉग लैंप्स देखने को मिल जाते हैं, कि टॉप मॉडल है। यहाँ पर आपको 4 पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे कार में। फ्रंट में हमारा ये एसेसरीज़ का पार्ट है, ये लगवा रखा है। ये भी आपको एसेसरीज़ में लगवाना पड़ेगा, ये आपको टॉप मॉडल में देखने को नहीं मिलेगा। ये सारा आपको एसेसरीज़ का पार्ट है, जितना भी क्रोम वर्क है ये आपको सब कंपनी की तरफ से देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको DRL देखने को मिल जाती है, जो कि आपको बोनट के नीचे भी देखने को मिलेगी। ये सिर्फ आपको टॉप मॉडल में देखने के लिए मिलेगी और रात को काफ़ी सुंदर लगती है जलती हुई। तो आइए बात करते हैं गाड़ी के इंजन की। यहाँ पर आपको 1.4 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको वॉशर फ्लूड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ब्रेक फ्लूड देखने को मिल जाएगा। 138 BHP की पावर ये जनरेट करती है। 242 NMs का टॉर्क निकालती है ये गाड़ी। तो आइए बात करते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल से गाड़ी आपको कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। यहाँ पर कंपनी आपको 17 इंचेस का टायर देती है अलॉय व्हील्स के साथ। यहाँ पर आपको रेड कलर के ब्रेक कैलिबर्स मिल जाएंगे, जो कि सिर्फ आपको GT लाइन में ही देखने को मिलेंगे। बाकी कंपनी आपको चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक देती है, सिर्फ टॉप मॉडल में ही देती है। यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश में हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। बॉडी पैंट से मैच आपको यहाँ पर साइड मिरर्स देखने को मिल जाते हैं। साइड मिरर्स पर आपको इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। पीछे भी आपको क्रोम फिनिश में हैंडल्स देखने को मिलते हैं। तो आइए चलते हैं गाड़ी के रियर सीट्स पे। रियर कुछ आपको गाड़ी का ऐसा देखने को मिलेगा। ड्राइवर सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट है। आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा नी स्पेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सीट के पीछे आपको हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको लेदर फिनिश मिल जाती है। यहाँ पर आपको सिल्वर कलर के डोर हैंडल्स देखने को मिल जाएंगे। बोस के आपको यहाँ पर स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। पावर विंडो आपको यहाँ मिल जाती है। बॉटल होल्डर आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। कार के रियर में आपको AC वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। चार्जिंग के लिए आपको यहाँ पर USB सॉकेट दे दिया गया। यहाँ पर आपको स्कफ प्लेट देखने को मिल जाती है, जो कि सेल्टोस की बैजिंग के साथ देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पर आपको सारे हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको कप होल्डर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको एयर प्योरीफायर देखने को मिल जाएगा कार में। पीछे से आपको कार कुछ ऐसा लुक देगी, फ्रंट का काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है गाड़ी का पीछे से। प्राइवेसी के लिए आपको यहाँ पर कंपनी कर्टेन्स देती है। कंपनी फिटेड आते हैं ये कर्टेन्स, आप यहाँ से इसको ऐसे चढ़ा सकते हैं ऊपर। ये आपको सिर्फ रियर की 2 सीट्स पर ही देखने को मिलेंगे प्राइवेसी कर्टेन्स, आगे आपको ये देखने को नहीं मिलेंगे। तो आइए चलते हैं गाड़ी की फ्रंट सीट्स की तरफ। यहाँ पर आपको डोर पैनल में लेदर का वर्क देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको ऑटो फोल्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है मिरर्स का। यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है। चारों पावर विंडोज़ आपको यहाँ दे दी गई हैं। यहाँ चाइल्ड लॉक का आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स देखने को मिल जाती है। खाली आपको ड्राइवर सीट में इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल देखने को मिलेगा, बाकी में आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। गाड़ी का क्लस्टर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको किया की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको टैकोमीटर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर देखने को मिल जाएगा। बीच में आपको MID मिल जाती है। यहाँ पर आप अपनी रेंज और एवरेज वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। कॉल एक्सेप्ट डिक्लाइन कर सकते हैं आप। वॉइस असिस्टेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं। मोड्स आप यहाँ से बदल सकते हैं। यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल देखने के लिए मिल जाता है कार में। यहाँ से आप अपनी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कंपास देखने को मिल जाएगा। इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो आप जब अपनी गाड़ी चलाएंगे आपको टायर प्रेशर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर MID में। इंजन स्टार्ट स्टॉप का आपको यहाँ पे बटन देखने को मिल जाता है।
यहाँ से आप ट्रैक्शन ऑफ कर सकते हैं अपनी गाड़ी का। यहाँ पर आपको हेडसअप डिस्प्ले का बटन मिल जाता है, यहाँ से आपकी डिस्प्ले अंदर और बाहर आ जाएगी। यहाँ से आप ब्राइटनेस कम कर सकते हैं MID की। 1.4 टर्बो चार्ज इंजन में आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलेगी, मैनुअल आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट्स के बटन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा का बटन देखने को मिल जाता है, जब आप ड्राइव करेंगे तो आपको शो होगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा कुछ व्यू आएगा, काफ़ी क्लियर व्यू आता है आपको इसमें। यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर का बटन देखने को मिल जाता है। आपको फ़ोन रखने के लिए स्पेस देखने को मिल जाती है। 12 वॉट का आपको यहाँ पर सॉकेट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको USB पोर्ट देखने को मिल जाता है। इस जगह पे आपको वायरलेस चार्जर देखने को मिल जाता है। ये किया कि थोड़ी मेरे को गलत चीज़ लगी, यहाँ पर बहुत कम स्पेस दी गई है फ़ोन रखने के लिए। यहाँ पर आपका जब वायरलेस चार्जर पे आप फ़ोन रखेंगे, जब आपका फ़ोन चार्ज हो रहा होगा तो यहाँ पर आपको एक लाइट ब्लिंक होती हुई दिख जाएगी। यहाँ से आप अपने मोड चेंज कर सकते हैं ट्रैक्शन के और ड्राइव के। यहाँ पर आप इसको घुमाएँगे तो आपको यहाँ पर ईको, स्पोर्ट्स और यहाँ पर आपको नॉर्मल मोड देखने को मिल जाएगा। बात करूँ ट्रैक्शन की, आपको यहाँ पर स्नो, मड और यहाँ पे आपको सैंड का मोड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको डीफॉगर्स का बटन देखने को मिल जाता है। आपको ऐसे कुछ यहाँ पर स्क्रीन देखने को मिलती है AC के लिए। यहाँ पर आपको दोनों AC वेंट्स देखने को मिल जाएंगे। नीचे आपको यहाँ पर सिल्वर की फिनिश देखने को मिल जाएगी। यहाँ वाले AC वेंट्स पर भी आपको ऐसी फिनिश देखने को मिल जाएगी सिल्वर की। डुअल टोन के साथ आपकी ये गाड़ी आती है। आपको हर जगह पर रेड कलर की स्टिचिंग देखने को मिल जाएगी। स्टेयरिंग पे आपको GT लाइन की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। सीट कवर्स पे आपको यहाँ पर भी सब पे रेड कलर की स्टिचिंग देखने को मिल जाएगी। यही खासियत है GT लाइन की। बात करूँ मैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की, यहाँ पर आपको 10.25 इंचेस की स्क्रीन देखने को मिल जाती है। UVO टेक्नोलॉजी के साथ ये स्क्रीन आती है। यहाँ पर आप नेविगेशन कर सकते हैं, मैप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है कार में। यहाँ पर आपको बोस कंपनी के चारों स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको सब वूफर देखने को मिल जाएगा, एक सब वूफर आपको डिक्की में देखने को मिल जाएगा कार की। यहाँ पर आपको कार के ट्विटर्स देखने को मिल जाएंगे डोर हैंडल्स के साइड में। यहाँ पर आपको सामान रखने के लिए स्पेस दे दी गई है। यहाँ पर आप अपने ग्लासेस रख सकते हैं। यहाँ पर आपको LED लाइट्स देखने को मिल जाती हैं यहाँ पर भी। यहाँ से आप अपना सनरूफ ओपन कर सकते हैं। टॉप मॉडल में आपको यहाँ पर सनरूफ देखने को मिल जाता है। बैक साइड में भी आपको LED लाइट्स देखने को मिल जाती हैं। को ड्राइवर साइड में आपको यहाँ पर ग्लास देखने को मिल जाता है। ड्राइवर साइड पे आपको यहाँ पर ग्लास देखने को नहीं मिलता। टिकट होल्डर आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक IRVM मिल जाता है। पीछे से आपको जब लाइट्स पड़ेंगी ऑटोमेटिकली डिम हो जाएगा। यहाँ से आपको बोनट खोलने के लिए यहाँ पर एक स्विच दे दिया गया है। यहाँ से आप अपना पेट्रोल लिड खोल सकते हैं। यहाँ पर आपको फुटरेस्ट देखने को मिल जाता है। 50 लीटर्स का आपको यहाँ पर पेट्रोल टैंक देखने को मिल जाता है किया सेल्टोस में। तो आइए चलते हैं गाड़ी के रियर व्यू की तरफ। रियर से गाड़ी आपको कुछ ऐसा लुक देगी। यहाँ पर आपको LED टेल लैंप्स देखने को मिल जाते हैं। हेलोजन आपको यहाँ पर इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे। ये आपकी रिवर्स लाइट है, आप रिवर्स गियर जब डालेंगे। पीछे आपको चार पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर पीछे आपको दो रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं गाड़ी में। GT लाइन की आपको यहाँ पर बैजिंग देखने को मिल जाती है। TGDI की आपको यहाँ पर बैजिंग देखने को मिल जाएगी। ये एसेसरीज का पार्ट है जो रिफ्लेक्टर्स के ऊपर लगा हुआ है क्रोम। रियर ग्लास में आपको डीफॉगर्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको रियर वाइपर देखने को मिल जाएगा। टेल लैंप्स के नीचे जो क्रोम लगी है ये भी एक एसेसरीज का ही पार्ट है। यहाँ पर आपको सेल्टोस की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको किया की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। रियर कैमरा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। पीछे आपको डिफ्यूज़र देखने को मिल जाएगा कार के, बट ये फंक्शनल नहीं है, बट ये गाड़ी को काफ़ी अच्छा लुक देता है आपकी। कंपनी की तरफ से ही आता है ये। तो आइए चलते हैं गाड़ी के बूट की तरफ। यहाँ पर आपको एक बटन देखने को मिल जाएगा बूट ओपन के लिए। 433 लीटर्स का आपको यहाँ पर बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छा बूट स्पेस है, आप काफ़ी लगेज रख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपको स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको लाइट देखने को मिल जाएगी। 16 इंचेस का आपको व्हील देखने को मिल जाता है, स्पेयर व्हील। यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे देखने को मिल जाती है।
बात करूं मैं इस कार की, तो इस कार के प्राइस रेंज के हिसाब से इसकी सेफ्टी मेरे को कम लगी। 3-स्टार रेटिंग आपको इस कार में देखने को मिलती है। बाकी फ़ीचर्स आपको इस कार में भर भर के दिए गए हैं। फ़ीचर्स काफ़ी अच्छे हैं इस कार के। आप इसमें लॉन्ग जर्नीज आराम से कर सकते हैं, कोई थकावट महसूस नहीं होगी आपको। टर्बोचार्ज इंजन आपको इसमें देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस और इसका पिकअप काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कारशाला फॉर मोर वीडियोज़।